गेट तो खुला ही है। ओ आ गए आप लोग, अब खोलो एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। और मैं रीता मिश्रा अपने रीता मिश्रा ब्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूं। और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियो को लाइक किया कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए। तो आज जो है अभी सुबह सुबह नहीं हो रहा है, दोपहर के बज रहे हैं, करीब 12:15 बज रहे हैं। तो सुबह नहा धो के नाश्ता वास्ता सब रेडी वेडी हो गई है। तो सुबह से बारिश ही हो रही है, तो मुझे ना बिल्कुल अजीब सा ही हो रहा था बारिश में ना, कि जी होते रहता है, अच्छा तो लगता है लेकिन लगातार अब 4-5 दिन हो गए होते होते, तो थोड़ा सा उसमें बोर भी होने लगता है। और दिवाली पास आ गई है और ऐसे ही होते रहेगा तो कैसे काम होगा। तो मुझे कुछ काम भी है घर में, क्योंकि घर नया घर शिफ्ट हुआ था तो उस वक्त बस कर लिए थे। और बहुत सारा कुछ बाकी, घर है तो बाकी रहता ही है कुछ ना कुछ। तो इस बार हमने सोचा कि दिवाली में थोड़ा बहुत जो बजट के अनुसार, क्योंकि ये है ना सबसे तो मेन प्रॉब्लम तो यही होता है कि बजट आपका जैसा है वैसा आप काम करते हो। तो अब चूंकि मैं बिहार से हूँ तो हम लोग को बिहार भी जाना पड़ता है, तो एक बार घर का यदि ट्रिप लगे तो अच्छा खासा पता ही है बजट जो है हिल जाता है। तो अभी मैं चौड़चन होता है हम लोग के यहाँ, तो यदि मेरे ब्लॉग में साथ में है तो जुड़े हुए हैं तो उन लोगों ने देखा कि हम चौड़चन में गए थे। मेरी सासू माँ की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई हो गई थी और ऐसे भी अब बुजुर्ग हो गई है तो जाना तो पड़ेगा ही, तो हम दोनों गए थे। तो उसमें हो गया, उससे पहले हम गांव जाना चाह रहे थे शादी में, तो हमारी मोबाइल गायब हो गई थी। और उसके बाद अभी जो छठ है आने वाला और दिवाली भी है तो उसमें भी जाना है घर, तो उसकी भी है, तो फिर खर्चे तो हैं ही। तो तब भी थोड़ा बहुत करके थोड़ा सा घर की तरफ भी थोड़ा थोड़ा करके करेंगे तो घर जो है ना तब घर बनता है। आप एकदम से चाहोगे कि एकदम से बन जाए तो नहीं होता है, हम लोग का तो नहीं होता है, मीडियम क्लास वालों का, क्योंकि वो लोग तो बहुत प्लानिंग हम लोग को करना पड़ता है कि सारा कुछ देखते हुए। तो मैं थोड़ा सा हम लोग का दीवार जैसा था बिल्डर ने उसी तरह रखे, कुछ किया नहीं हमने, पेंट वगैरह नहीं कराई। तो इस बार सोची कि दिवाली में थोड़ा सा और कुछ नहीं तो एक दीवार पे मैंने डाइनिंग वाले पे वॉलपेपर लगा लें। तो आज वॉलपेपर वाले को बुलाई हूँ और बारिश था तो मुझे लगा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन अभी है ना देखिए पीछे धूप निकल गई है अभी, तो अच्छी बात है। मुझे कपड़े भी सुखाने हैं, मशीन में सूख गए तो धूप आई है। तो और वॉलपेपर वाले भी बिना फ़ोन किए आ गए, ये बड़ी मुश्किल है यार, मैंने कम से कम एक बार कॉल तो कर दें, मैंने कहा था आने से पहले थोड़ा सा कॉल कर दें, लेकिन खैर कोई बात नहीं आ गए तो चलो। और अब मैं पति भी नहीं, हस्बैंड भी नहीं घर में और बेटा भी नहीं है सुबह से, तो मैं अकेले हूँ और मैं ये काम निपटा लूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ क्या कर रहे हैं ये सब और दिखाऊंगी कैसा है। मेरा अभी वॉल तो प्लेन है, आप लोग देख ही रहे हैं पीछे बैक बिल्कुल ऐसे, तो अब देखते हैं लगने के बाद कैसा होता है। तो बने रहिएगा व्लॉग में। ये केमिकल बन रहा है चिपकने के लिए, पेस्ट करेंगे ना इसमें लगा के। बोले 7-8 साल कहीं नहीं जाएगा, सही है ना? 7-8 साल की कह रहे हैं कि एक बार लग जाए तो, है ना भाई? चेक रो फट सा आया होगा बट जी थैंक यू। ये देखिए लग रहा है ऐसे, और ये कपिल हैं और वो है सौरभ, दोनों मिलके मेरे घर को सुंदर कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? सही लग रहा है, पता नहीं हम लोग सेलेक्ट तो किए, लगा के पता नहीं लगने के बाद क्या होता है। हाँ क्योंकि थोड़ा सा लाइट कलर ही ये है ना, वुडन ऐसा था तो हमने कहा कि इससे मैच करता हुआ ये। पानी चाहिए? नहीं ठीक।
सही लग रहा है। चमक रहा है तो भूख लग गई है। और अच्छा हुआ कि मैं सुबह सुबह बना ली। और ये देखिए ओल जिमी कंद सूरन जो भी कहते हैं उसकी मटर डाल के सब्जी बनाई थी। तो रोटी भी तभी बना ली थी मैं, तो ठंडा ठंडा ही खाऊंगी। कोई बात नहीं, बना हुआ तो है कम से कम, मेरा लंच तो हो जाएगा। और पता है कुछ भी होता है ना, तो फिर ना ऐसे दो लोग घर में हो तो थोड़ा सा काम हो रहा हो तो चलिए। तो खाना खा रही हूँ अब, और है यहाँ पे मेरे पास पानी बोतल में रखा हुआ है। तो क्या होता है ना कि जब हम जब यहाँ पे शिफ्ट हुए थे शुरू में, तो एक महीना मैं और मेरा बेटा, और नवंबर का महीना था, दिसंबर ही समझिए स्टार्ट हो गया था, पूरा लकड़ी का काम करवाए थे। तो हम लोग, मैं इसी बिस्तर पर बैठ के पूरा एक महीना बिताए थे, क्योंकि काम चल रहा था फर्नी लकड़ी का। और एक कमरे में हम लोग बंद हो जाते थे सुबह सुबह 8:30 बजे, चाय बना के, खाना बना के, और फिर ऐसे दिन भर काम चलता रहता था लकड़ी का। तो आज ऐसी फीलिंग हो रही है। और मैं देखिए अब एक बार नहीं हुई ना तैयार, तो मुझे मन भी नहीं कर रहा है चेंज वेंज करने का, लेकिन बस ऐसी बस बैठी हुई हूँ, देख रही हूँ, कभी कुछ चाहिए होता है कभी कुछ चाहिए होता है, तो उसी में लगी हुई हूँ। चलिए खाना खा लेती हूँ। वैसे टेस्टी बनी है सब्जी सूरन की, आप लोग बनाते हैं कि नहीं? मैं तो बनाती हूँ, सूरन बहुत हेल्दी होता है और खाना चाहिए बना के, चावल के साथ रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। चाय पी रही हूँ। ऐसा है ना, आज दूध भी मेरा खत्म हो गया है, तो अभी ग्रोफर्स वगैरह कहते हैं कि है तो बहुत बढ़िया, लेकिन कभी कभी ना एंड टाइम पे वो भी धोखा ही दे देता है कि इन लोग के लिए भी चाय बना दो। तो थोड़ा सा दूध था ऑर्डर की, तो चाय सब कुछ दे गया, दूध ही नहीं दे गया। तो ऐसे ही होता है, घर में कोई है नहीं जो मंगा लूँ, तो जो था उसी में से उन लोगों को चाय बना के दी, और एक कप खुद पी रही हूँ चाय। ऐसा ही होता है। और पता है, और इतना सर में दर्द हो रहा है ना कि वो केमिकल का स्मेल आता है, और क्या है कुछ भी काम कीजिए ना पूरा बिखर गया है, बस ऐसे ही बिखरा पड़ा है। और सब समेटो, अब जल्द काम खत्म होगा तो समेटो। और कितने बजे, 12 बजे आए थे, 12:15 बजे, और अभी कितना बज रहा है, 5 बज गया है। और अभी भी मुझे लगता है कि 1 घंटा तो लगेगा, 1.5 घंटा तो बस हो गया, पूरा दिन गया। एक काम करवाओ पूरा दिन गया आपको, फिर उसके बाद साफ सफाई, ऐसे सब सामान इधर, सोफा फ्रेम फोटो फ्रेम सब हटा हुआ है। तो ऐसे ही है, घर को अच्छा करने के लिए पहले घर को खराब करो फिर उसको ठीक करो, ये बहुत बढ़िया है। चलिए चाय पी लेती हूँ तब, ठीक है, फिर दिखाती हूँ पूरा लगने के बाद। ऐसा तो अभी कर्टन वगैरह चेंज वगैरह करूंगी, तो तब जाके ज्यादा बढ़िया लगेगा, क्योंकि ये कर्टन वगैरह पहले वाला ही है जो नहीं हो गया, 3-4 साल हो गया जो लिए थे उस वक्त, पुराने घर का ही है, तो ये सब भी थोड़ा चेंज करूंगी। बैठे बैठे मैं कहीं क्या करूं भाई, शाम हो रहा है तो दाल, कहीं की दाल ही बना लेती हूँ। देखिए तो बन गया, ये देखिए अभी लग गया है, और शाम को बच गया 6, अंधेरा हो गया है। ये एक लाइट जल रही है, एक लाइट अभी इधर बंद है, तो इसलिए उधर अंधेरा लग रहा है, क्योंकि अभी वो कहा है कि सूखने दीजिए फिर आप लगवा लीजिएगा। तो यही सब है ना, एक काम करो फिर बिजली वाले को बुलाओ फिर तब करो। तो अब ये सुबह होगा, और ये देखिए सामने, और ये देखिए ऐसे दिख रहा है ना ये, तो अब ये सूखने के बाद अभी जो है ना इसकी चमक आएगी, जो उन लोगों का कहना है। अभी गीला है तो देखते हैं, और बढ़िया है, फिर कर्टन वगैरह लग जाएगा, सारी लाइटें जल जाएंगी तो अच्छा लगेगा।
तो यही था आज का दिन, पूरा दिन ऐसे बीत गया। अब आ गई हैं, एक राधा है और ये साफ सफाई करने में लगी हुई है, और अभी पूरा ये साफ सुथरा करना है। देखिए जैसे तैसे पूरा घर जो है अस्त व्यस्त, तो फटाफट करके निपटाते हैं ये सब बाकी काम। अब लग जाओ, थोड़ा सा जल्दी से कर ले साफ सफाई। झाड़ू झाड़ू वही है, हाँ एक है, एक तो यहाँ होगा, फिर देखो बालकनी में छोड़ रखा है क्या, तो उधर से निकाल ही लो इधर, इसलिए मैं इधर फिर ये जीना रखूंगा। तो आज का दिन पूरा हुआ, अब देखते हैं फिर कल क्या होता है, क्योंकि दिवाली तक तो कुछ ना कुछ करते ही रहना है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मैं अपना बाकी काम निपटाती हूँ जल्दी जल्दी। और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। और पता नहीं क्यों ऐसी बस सर में भी थोड़ा सा ना दर्द हो रहा है ये स्मेल से, या जो उससे पूछी तो उन्होंने कहा कि नहीं हमारे यहाँ ऐसा कोई केमिकल नहीं है जिससे कि रिएक्शन करे, लेकिन फेविकॉल तो मिलाया है तो आता तो है ही थोड़ा बहुत। खैर जो भी हो, थोड़ी तो हेडेक हो गई है। और देखती हूँ मैं अपने चाय की जुगाड़ करती हूँ, और देखिए घड़ी में 6 बज गए हैं पूरे, दिख रहा है, हाँ चलिए ओके गुड नाइट, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू।